देश के पीएम मोदी स्वच्छता की तमाम बातें करते हैं, लेकिन बात अगर गंदे पानी की करें तो देश के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। गंदे पानी से जुड़ा एक गंभीर मामला एमपी से सामने आया है, जहां पर नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब जरा इस पानी से भरी बाल्टी को देखिए। पहली नजर में कोई भी इसे गंदा पानी ही समझेगा, लेकिन हकीकत में ये पानी नल से निकला हुआ है, जिसे यहाँ के लोग पीते हैं। दरअसल एमपी के देवास नगर के छत्रपति मार्ग वार्ड क्रमांक 4 में पिछले 15 दिनों से वार्ड वासियों के नलों से गंदा बदबूदार कीड़े युक्त पानी आ रहा है, जिससे वार्ड वासी परेशान है। लेकिन हालात के मजबूर नगर के वार्ड वासी गंदा और बदबूदार कीड़े युक्त पानी पीने को मजबूर है। बावजूद इसके अभी तक भी इसके ऊपर प्रशासन की कोई नजर नहीं पड़ी है और नगर में गंदे पानी की पेयजल सप्लाई से नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। नागरिक पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम के माध्यम से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक इस गंभीर समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। खूब गंदा पानी आ रहा है। कितने दिन से आ रहा गंदा पानी? डेढ़ महीना हो गया। इसकी शिकायत करी थी? करी थी। किसको करी? नगर अध्यक्ष के। क्या हुआ फिर? आए ही नहीं देखने। देखने नहीं आया? पानी कितना गंदा आ रहा है? खूब बिल्कुल गटर का पानी सर ही। अच्छा, और कीड़े भी आ रहा है साथ में। काफी दिन से आ रहा है। फिर इसकी शिकायत करी आपने? करी ना। कैसा आ रहा पानी? बिल्कुल मटरा मचा रहा है, कीड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या फिर आपने शिकायत करी? क्या हुआ फिर? क्या उन्होंने कर्मचारी भेजा, ऐसी देख के चला गया, कुछ नहीं बोला। जरा सोचिए, किसी भी इंसान को जीने के लिए हवा और पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन अगर इंसान कुदरत की इन अनमोल धरोहर से ही महरूम रह जाए तो क्या कहें। आज देश में प्रदूषण के साथ साथ गंदे पानी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके अभी तक भी सरकार इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं खोज पाई है। हालात ये हैं कि देश के कई राज्यों में तो पानी जमीन से ही पीने लायक नहीं मिल रहा है।